हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ क्लास नाइन्थ के लिए साइंस के एमसीक्यू चैप्टर वाइज। स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर वन से, जिसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। वन बाय वन हम सारे चैप्टर कवर करेंगे, और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो इस 20 क्वेश्चन में से मिनिमम आपके 15 क्वेश्चन तो राइट जाने ही चाहिए, तभी आप ये समझो कि आपने वो चैप्टर सही से किया हुआ है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से। आपको मेरे आंसर बताने से पहले ही बताना है आंसर अपने मन में, और उसके बाद जो है आपको स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की जितनी क्वांटिटी उसमें मौजूद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है वेट, ग्राम, मास और डेंसिटी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसको हम उसका मास कहते हैं। वेट कैसे आता है, जब मास को आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हो, उसका प्रोडक्ट करते हैं, तब हम जाकर वेट निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। मीन्स सिंपली आपको इन्होंने बोला है कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका 273 केल्विन के इक्वल होता है। मीन्स सेल्सियस से केल्विन कितना आगे चल रहा है, प्लस 273। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने आपको 78 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो उसमें आपको सिंपली 273 को प्लस करना है, और उसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 351 केल्विन। तो सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में जब इन्होंने रिस्पेक्टिवली कह दिया, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है, कितने टेम्परेचर पे जो है वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। 100 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब आपका 100 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। हो सकता था ऑप्शन आपको दो जगह भी 100 दे सकते थे, दूसरी जगह चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर आपका 100 है, डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और वैसे भी अगर आपको केल्विन में भी चेक करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस में आपको 273 ऐड करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, केल्विन में, मतलब 373 केल्विन। तो थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड विच हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन। ऐसी लिक्विड जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी इसमें से आंसर हम करेंगे उसके अंदर बहुत ही लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी उसका एवापोरेशन जल्दी जल्दी हो सकता है। और ऐसा आपका कौन सा होता है, एसीटोन। एसीटोन जो होते हैं उनके उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है, और एसीटोन जो पाया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर में, अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। वैसे भी अगर आपने डब्बा खोल के भी छोड़ दिया ना, वो 5 से 10 मिनट में गायब हो जाता है, मतलब वो जल्दी से एवापोरेट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप। इन्होंने कहा आपका फॉर्म ऑफ एक ऐसा मैटर का एक ऐसा फॉर्म जिसका फिक्स शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, ऐसा आपको एग्जांपल बताना है। तो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आपने, वैसे तो मेनली 3 हमारा सॉलिड लिक्विड गैस, बट फोर्थ हम पढ़ते हैं प्लाज्मा, फिफ्थ पढ़ते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका शेप तो फिक्स्ड है, सॉरी शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। तो ये आपका होता किस में है, लिक्विड में है। तो आपको यहाँ पर जो है लिक्विड कौन सा दिख रहा है, किरोसिन, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी क्रिप्टन के बारे में बात करें तो ये आपका नोबल गैस है, आपको इसका नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट। इनमें से कौन सा फिनोमिना है जिसकी जो कि हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो एवापोरेशन आपका एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हमेशा क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। और इसके लिए क्वेश्चंस भी आते हैं कि जब अपने हथेली पे एसीटोन डालते हैं तो हमें ठंडा ठंडा क्यों फील होता है, तो उसका आंसर भी आपका क्या होता है, एवापोरेशन होता है। इसके अलावा मटके में जो पानी है उसका वो मतलब वो किस तरीके से ठंडा होता है एंड ऑल, तो ये इस हर चीज़ का आंसर उसमें से क्या आता है, कौन से फिनोमिना है, एवापोरेशन से ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे अच्छी बात है कि जब आप एमसीक्यू की सीरीज़ करते हो ना, तो उससे आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू कर रहे हो तो सिर्फ ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो रहा है, कुछ जो ऐसे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे जो आपके बड़े क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। इसमें से इन्होंने कहा कि जो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि टेम्परेचर, मतलब कि अगर एक चेंज से दूसरे चेंज में जाता है तो टेम्परेचर सेम ही रहता है लगभग, तो इसमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से फिर वो चेंज हो पाता है।
तो ये आपको यहाँ पर बताना है, तो वो होता है आपका लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, ये आपको जो बताना है। पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री, और पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वाटर है स्टीम है दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन जो स्टीम के जो पार्टिकल्स होंगे उसमें क्या होगा, लेटेंट हीट छुपा होता है, जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारा हाथ गर्म पानी से ज़्यादा डैमेज होगा या फिर स्टीम से, तो स्टीम से ज़्यादा हमारा हाथ डैमेज होता है, क्यों, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट भी होता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ एवापोरेशन, इनमें से कौन सी चीज़ जो है रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो विंड की स्पीड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों जो है एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो इनसोल्यूबल हैवी इंप्योरिटीज जो यहाँ पर आपका आंसर होगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ द लिक्विड टू अ गैस, अगर मतलब आप कौन सा टर्म दोगे एक ऐसे फेज के लिए जब एक लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, जब लिक्विड जो से आपका कोई भी सब्सटेंस है या फिर कोई भी चीज़ है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो वो आपका क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब जब हम बॉइल करते हैं तभी तो वो क्या होता है, लिक्विड से फिर वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म टू बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, अब क्या है सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, इट मीन्स क्या है, आप बर्फ मतलब पानी को लेकर एग्जांपल से सोचो ना कि आपका सॉलिड क्या है, आइस है, उसे वो पिघल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेल्टिंग। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंजेस लिक्विड बिकम सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड बन जाए तो उस वाले को आप क्या टर्म दोगे, लिक्विड आपका सॉलिड, जैसे आपने पानी रखा फ्रिज में वो क्या हुआ, जम गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा फ्रीजिंग। नेक्स्ट, एज ऑफ 1990 साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि 1990s के हिसाब से साइंटिस्ट ने मतलब कितने स्टेट ऑफ मैटर को प्रूव कर दिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, तो ये आपका कुछ नहीं बल्कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 14th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई, गैसेस को हम लिक्विफाइड किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब गैस को लिक्विड स्टेट में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, ये आपको बताना है। उनका उसका प्रेशर को इंक्रीज करके, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, बोथ ए एंड बी, और डिक्रीज और प्रेशर को डिक्रीज करके, तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। या तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर इंक्रीज करा दो या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करा दो। नेक्स्ट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के पास मतलब काइनेटिक एनर्जी को लेकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, तो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर है उसके अंदर जो है बहुत ही लो काइनेटिक एनर्जी होती है, 16 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर, इनमें से किसको हम स्टेट ऑफ मैटर के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। एटम हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ह्यूमिडिटी जो है उसको हम फॉर्म ऑफ मैटर के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, तो 17 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको बताना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने मैटर के बारे में। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की, ये बात भी बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर्स रिमेंस द सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उनका जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये इन्होंने बोला है, तो इसको लेकर हम देखते हैं। उसके बाद आपका है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, मतलब अपने आप में वो डिफ्यूज़ करते रहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, मतलब ले देखिए आपका जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड, कलर ऑफ जो वेपर्स होता है जब आयोडीन का सब्लिमेशन होता है आयोडीन सॉलिड, तो वो आपको बताना है कि वो किस कलर का होता है। हालांकि जो आपका ये क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, बट स्टिल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको याद रखना है कि वो किस कलर का होता है, पर्पल वॉयलेट कलर का।
सब्लिमेशन को हम सेकंड वाले चैप्टर में, जो वैसे आपने नोट्स पढ़ा हुआ होगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर है कि जब सॉलिड से गैस में या फिर गैसीय से सॉलिड में डायरेक्टली जब सॉलिड से गैस में कोई चीज़ चेंज हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, CO2 कैन बी ईजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड। CO2 को हम लिक्विफाइड भी कर सकते हैं बहुत आसानी से और सॉलिड स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं आसानी से, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके इसका आंसर हो जाएगा, इट हैज़ कंपेरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेस। और गैसेस के हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से हम इसको सॉलिड स्टेट में भी चेंज करा सकते हैं और लिक्विफाइड भी किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे जबकि आपके MCQ हर चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जो भी आपके टीचर टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन तो उसमें जो आपको MCQ भी पूछा जाता है, इसलिए हर चैप्टर की प्रैक्टिस आपको MCQ से करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उसे जल्दी से देख सको।